हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसका फर्स्ट पार्ट। क्लियर? चलिए, आपके पास ये डिजिट है 0.6 बार, ये बार का साइन होता है ना। क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेस द फ्लोइंग ऑफ द फ्रॉम पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? आपको P अपॉन Q में इसका आंसर अपॉन में लेकर आना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 0.6, लेट्स सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें आप हर क्वेश्चन में, ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे, सभी में पहले x इज इक्वल टू 0.6 बार ले लेंगे। राइट? वी हैव, अब हमारे पास डेसिमल के पास ओनली वन डिजिट है। जब वन डिजिट होती है, डेसिमल के आफ्टर डेसिमल के, वन डिजिट का मतलब होता है 10 से मल्टीप्लाई करो, जहाँ वन की बात होती है आफ्टर वन डेसिमल। जहाँ टू की बात हो रही है 100 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ आपकी थ्री डिजिट की बात हो रही है, वहाँ आप 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका रूल है, जहाँ वन डिजिट की बात हो रही है आफ्टर डेसिमल। ठीक है, चलिए बोथ साइड मल्टीपल बाय, जब हम मल्टीपल करेंगे तो किससे करेंगे, मैंने भी बताया आफ्टर डेसिमल वन डिजिट है तो किससे करेंगे, बोथ साइड 10 से। जब इसी इक्वेशन इन इक्वेशन वन, वन के बोथ साइड आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने इसको 10 से किया तो 10x हो गया। जब इसे 10 से किया तो मैं आपको बता देती हूँ ये डिजिट को लिखते हैं कैसे। ये इस तरीके से ये होता है, इसका बार का मतलब क्या है, ये 6 बहुत बार है ना। तो 10 से करने का मतलब होता है ये डिजिट यहाँ से हट के एक डिजिट पीछे चली गई, क्योंकि 10 का मतलब एक डिजिट सिर्फ पीछे जाना। 100 से करेंगे तो 2 डिजिट जाएगा, 3 से करते तो ये पॉइंट हट के यहाँ चला जाता। अभी बात हो रही है सिर्फ इसकी, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया, अब उसी को तो रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम इसको लिखेंगे 6.6। क्लियर हो गया मैंने कैसे बनाया ये, राइट ना? पॉइंट यहाँ से हटा के हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो आगे तो 10x हो गया, बट पीछे आपकी पॉइंट हट करके एक डिजिट पीछे चली गई। तो आपका ये प्रोसेस जो मैं सर्कल में बना रही हूँ, सिर्फ इसी को लिखना है और किसी को नहीं लिखना, इसको भी नहीं लिखना, इसको भी नहीं लिखना, किसी को नहीं लिखना। ईजी हो गया ना? ये क्वेश्चन कौन सी आ गई, 2। क्वेश्चन में अब बात आती है सब्ट्रैक्ट। अगर हमें क्वेश्चन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट ओनली, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, जो x वाले पार्ट्स हैं इसके, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए पहले 10x, क्योंकि मैंने कहा क्वेश्चन 2 पहले ये बड़ी ग्रेटर देन, 10x माइनस इसमें से x वाला इज इक्वल टू के, लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है तो मैंने इनको यहाँ लिख दिया। ऐसे ही पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि 10 को फर्स्ट टाइम लिखा तो इसको भी लिखेंगे आगे, माइनस 0.6। क्लियर? हमने लिखा 6.6 और 6.6 के बाद हमने जब माइनस किया तो वो इस तरीके से किया। क्लियर? ब्रैकेट लगा लेंगे। अब 10x में से 1x माइनस किया तो कितना आएगा, 9x। 6.6 में से 0.6, जिस बच्चे को ना आए तो वो यहाँ करके, क्योंकि पॉइंट में थोड़ा ना बच्चे पजल हो जाते हैं और गलत आंसर लिखाते हैं, तो इसीलिए करके देख लेना। अगर जिसको ना अपने पे शो हो तो वो इतने से काम करने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी से पुट करके यहाँ लिख देना, ये आपका आंसर आ गया। अब पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती, इसको कैंसिल कर देंगे तो पॉइंट पे गया। आंसर क्या है आपका, 9x इज इक्वल टू 6। अब देखिए एक्स यही, 6 भी अपनी सीट पर, जो 9 मल्टीपल हो रहा था वो इधर आके डिवाइड हो गया। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपका P अपॉन Q में इसको आपको लाना था आंसर, तो आप ले आए ना 2/3, बस शो करना था आपको, ये आपने कर दिया। क्लियर? अब हमने 3.1 का क्वेश्चन 0.6 बार लिया। एक क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर जो 4th है,
वो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, सेम। ये देखिए वो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिख देते हैं भाई, पॉइंट के बाद दो डिजिट बार बार आ रही है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब तो यही मीन्स हुआ ना कि 9 पे बार है। अब बच्चों को पजल करने के क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे दे दिया उन्होंने, लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनको पता होता है कि 999 रिपीटिंग हो रहा है, तो रिपीट करने के लिए हम 9 एक टाइम लिख करके उस पर बार लगा देंगे। देखो वही क्वेश्चन बन गई। अब आफ्टर डेसिमल क्या है? 1 डिजिट है ना, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, तो बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से या 100 से? 10 से, हम 10 से करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ प्रोसेस बताया, 1 डिजिट होगी तो 10 से करेंगे, 2 डिजिट होगी तो 200 से, 3 डिजिट होगी तो 1000 से। क्लियर? इस क्वेश्चन में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, ओके बाय।